एंड वेलकम बंदी को पूजा कहते हैं। क्या हाल चाल? आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने आई हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अच्छा वक्त होता है ना, वो मेहमान की तरह होता है, आता जाता रहता है कभी कभी, लेकिन जो बुरे पल होते हैं, बुरा वक्त होता है, वो बिल्कुल पड़ोसी की तरह होता है, हर दूसरे दिन घर चला आता है। और जब आप ऐसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं ना, तो अमूमन आपको क्या सुनने मिलता है? कोई बात नहीं ना, हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी में जब तक ऐसी कुछ घटनाएं ना हो जिससे ये साबित हो सके कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात पर या इस लाइन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी घटनाएं जरूर घटती हैं, या कुछ इंसिडेंट्स, कुछ चीजें होती हैं जिससे भगवान हमें बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो खुश हो जाओ और भी अच्छा। ये अलग बात है कि कभी कभी वो चीजें बड़ी होती हैं तो हमें मिरेकल लगती हैं, कुछ छोटी होती हैं तो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी में आई गई हो जाती हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ मदद हो जाए। करीबन 1.5 साल पहले की बात है, मेरा ऑफिस नवी मुंबई में और मेरा घर मुंबई में। ऑफिस आपस की बात करें तो आने में या फिर जाने में 2.5 घंटा वन साइड तो लगता ही था। सो रोज मेरे कॉलीग मुझे आधा रास्ता ड्रॉप करते थे, फिर वहां से मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर पवई, जहां मैं रहती हूँ, वहां के मेन बस स्टॉप तक जाती थी या सड़क तक जाती थी, और फिर वहां से 20 मिनट वॉक करती थी अपनी टाउनशिप की तरफ अंदर, तब जाके मेरी बिल्डिंग आती थी। अब टाउनशिप या बिल्डिंग थोड़ी अंदर है तो वहाँ कोई ऑटो जाता नहीं, क्योंकि पीक आवर्स में मुंबई का ट्रैफिक बहुत होता है। ठीक है, गाड़ी चल रही थी। एक शाम मुंबई में झमाझम बारिश हो रही थी, भाई बारिशों का मौसम था। हर शाम की तरह मेरे कॉलीग ने मुझे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर दिया। अब जहाँ वो मुझे ड्रॉप करते हैं, नॉर्मली वहाँ पर ऑटो स्टैंड भी है और बस स्टैंड भी है, और प्राइवेट टैक्सी भी आती जाती रहती है, तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन उस दिन इतनी ज़बरदस्त बारिश आ रही थी कि ऑटो स्टैंड पर एक भी ऑटो नहीं था, और बसेस की फ्रिक्वेंसी तो आपको पता ही है, और प्राइवेट टैक्सीज, ऊबर और ओला, थैंक्स टू मुंबई की बारिश जहाँ कुछ भी हो सकता है, अवेलेबल ही नहीं थी। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, पहला तो मैं बस का वेट करूँ जिसकी फ्रिक्वेंसी, और दूसरा वहाँ पर प्राइवेट कैब्स का वेट करूँ। अब मुंबई में सुबह और शाम प्राइवेट कैब चलती हैं, यानी कि जो होती है ना कॉल सेंटर्स की, तो ड्राइवर थोड़ी ऊपर की कमाई करने के लिए कॉल सेंटर जाने से पहले कुछ सवारियों को उतारते चढ़ाते हैं और 100-200 की ऊपर की कमाई कर लेते हैं। मुंबई में कैब्स बिल्कुल सेफ है। लेकिन वो कैब्स भी 6 बजे से 7:15 बजे तक चलती थी, और यहाँ तो 7:35 हो गए थे, तो वो कैब मिलना भी बिल्कुल मुश्किल था। तो ऑप्शन बस का वेट करो। मुझे इतना पता था कि पवई तक जाने के लिए लाल कलर की 125 नंबर की एसी बस यहाँ से ज़रूर गुजरती है, करीबन 8:15 के आसपास, और अभी हो रहे थे 7:35, तो मतलब मुझे 40-45 मिनट वेट करना था। मरती क्या ना करती, भीगते भीगते एक छाते के सहारे 40-45 मिनट उस बस के लिए बड़ी बेसब्री से वेट किया। और जैसे ही मैं हाय राम करती करती उधर देख रही थी, तो मैंने क्या देखा, राइट हैंड साइड पर फाइनली वो बस आ रही थी। मैं ऐसे तैयार होने लगी जैसे कि वॉर शुरू होने वाली है और मैं तैयारी कर रही हूँ। छाते को फटाफट बंद किया, बैग टांगा और फटाफट, जैसे कि पहले तो मैं ही चढ़ूंगी। लेकिन वो बस धप से आई और फुर से करके मेरी आंखों के आगे से निकल गई, और उस ड्राइवर ने उस बस स्टॉप पर बस रोकी नहीं, क्योंकि वो बस फुल भरी हुई थी। मुझे मिनी झटका लगा, 40 मिनट से इस बस का वेट कर रही थी जो रुकी ही नहीं। पहले तो मैंने उस ड्राइवर को 100 गालियां दी होंगी, उसके बाद ऊपर देखा और अपनी हैबिट के अनुसार भगवान के सामने जागरण कीर्तन किया। क्या यार, रुकवा नहीं सकते थे, घर कैसे जाऊंगी, इतनी बारिश हो रही है, आपको तो पता है, उसके बाद वॉक भी करना है, फिर घर में डिनर भी बनाने, क्या करते हो, एंड ऑल दैट स्टफ में शुरू हो गई ऑफकोर्स मन में। अब इसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कोई ऑप्शन नहीं था, खड़ी रहो और वेट करो, जो भी आएगा चढ़ जाना, और नहीं आएगा तो अल्लाह मालिक है। अब ठीक 5-10 मिनट बाद एक प्राइवेट कैब बिल्कुल खाली मेरे आगे आके रुकी, और ड्राइवर चिल्लाने लगा, पवई 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 पवई, मतलब पवई। मेरी आंखों में चमक, इस वक्त प्राइवेट कैब, वो भी पूरी खाली,
धप से करके मैंने एक सेकंड निकलवाया और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई और एकदम खुश। थैंक गॉड अब तो घर पहुंच जाएंगे। वो ड्राइवर थोड़ा फ्रैंक किस्म का था। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो मेरे बिल्डिंग के नीचे से ही निकल रहा है और मैं फिर से खुश। नॉर्मली अगर वो बस मैं लेती या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वो मुझे बाहर मेन रोड पर ही छोड़ देते, लेकिन वो मेरी बिल्डिंग के नीचे से निकलने वाला था, विच मीन्स 15-20 मिनट का वॉकिंग खत्म, खलास। वाओ, बस मेरी लाइफ सफर। ये छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहनी चाहिए। गाना चल रहा था, मस्त हवा चल रही थी और बारिश आ रही थी। मैं अपना रास्ता एंजॉय करते करते जा रही थी। जैसे ही मैंने लेफ्ट तरफ खिड़की से बाहर देखा, थोड़ी दूर पर वो बस 125 नंबर की जो रुकी नहीं थी बस स्टॉप पर, वो तो बस लेन के ट्रैफिक में फंसी पड़ी थी। वो देख के तो मैं और खुश हो गई। अब क्योंकि हमारी कैब थी और बस लेन के अंदर जाने की कोई कंपल्शन नहीं थी, तो बाकी के जो वाइड रोड थी सर से करके मेरी कैब वहां से चलती चली गई। और जितना आगे आगे मैं जा रही थी, मैं देख पा रही थी कि बस लेन में इतना ट्रैफिक है, आगे तक ट्रैफिक है, कि उस बस को जिसमें मैं चढ़ने की इच्छा कर रही थी वो पवई तक पहुंचते पहुंचते करीबन 40 मिनट तो लगाएगी ही। मैं फिर से खुश, थैंक गॉड ट्रैफिक से बच गई। उस बस ड्राइवर ने मुझे मेरी टाउनशिप यानी कि मेरी बिल्डिंग के नीचे छोड़ा और मेरे पास चेंज नहीं था। 40 रुपए की बात थी तो उसने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप रहने दो। मुंबई में ऐसा होता रहता है। मैं और खुश, एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं थी पर ठीक है, बोनस। और इस तरह मैं आराम से गाने सुनते सुनते बैठे बैठे घर पहुंच गई। तो इन सारी बातों का लॉलीपॉप ये है कि अगर वो बस मुझे मिल जाती तो मुझे लटक लटक के भीड़ भड़के में खड़े होके जाना पड़ता, और तो और वो 40 मिनट का बस लेन का ट्रैफिक झेलना पड़ता, और वो मुझे मेन रोड पर उतार देती तो अपनी बिल्डिंग तक मुझे 20 मिनट वॉक करके जाना पड़ता। ऐसे ही अगर कुछ है जिसको आपने बड़ी शिद्दत से बहुत बहुत दिल से चाहा या मेहनत की और आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिला, तो बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान ने शायद आपके लिए कुछ बेटर डिजर्व किया है। हाँ, हो सकता है कि मेरी कैब की तरह वो 5 या 10 मिनट में ही आपको नहीं मिल जाए, शायद आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल। लेकिन यकीन मानिए, वो जो आपको मिलेगा वो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर होगा जो आपने चाहा था। तो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत ही अच्छा। इसीलिए सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल के लिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, जो कि एक्चुअली मेरी रियल स्टोरी थी, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहे, तो बगल वाला बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पास्ता लंबिस्ता।